हेलो गाइस, ये स्टोरी किसी ने हिंदी में बनाने के लिए कहा था। मैंने पूरी कोशिश की है, होप आपको अच्छी लगे। मांगा का नाम टायरेंट वान से बेटर लाइफ है। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। अम्पायर ओबेरा की प्रिंसेस दोरोतिया जो हिस्ट्री की बुक्स रीड करती है क्योंकि उनकी रुचि हिस्ट्री में है, लेकिन वो अपने भाई से परेशान है जो हर वक्त उसे डिस्टर्ब करता रहता है। दोरोतिया का भाई जिसका नाम रायमंड है, भागता हुआ आता है और अपनी बहन से खेलने को बोलता है, साथ ही सॉरी भी बोलता है उसे डिस्टर्ब करने के लिए। दोरोतिया अपने भाई की तरफ देखती है और सोचती है कि कैसे ये भाई उसके हाथों से मारा था। उसके पास्ट लाइफ में वे ने थ्रोन को हासिल किया था। दोरोतिया का ये पुनर्जन्म है। पास्ट लाइफ में दोरोती काफी क्रूएल थी, लेकिन इस जन्म में वो गलती नहीं करेगी जो पास्ट लाइफ में की थी। इस जन्म में वो अच्छे काम करके सबकी प्रशंसा लेगी। पास्ट लाइफ में दोरोती ने सब हासिल किया था, पैसा, शान, शौकत, लेकिन किसी ने भी उसे प्यार नहीं दिया। उसे सिर्फ नफरत मिली। इतना ही नहीं, जिस लड़के से वो प्यार करती थी उसने भी मरना पसंद किया। फिर एक दिन दोरोती ने भी अपना नसीब कबूल किया और वो भी मर गई। लेकिन इस जन्म में उसे एक चीज समझ ली कि उसे पेशेंस से काम लेना होगा। उसका भाई कितना भी नॉटी हो, उसे सहना होगा। तभी रे अपनी बहन को हग करता है। उसे प्राउड होता है कि उसकी बहन कितनी इंटेलिजेंट है। रे को हमेशा से कई चीजें आसानी से मिल जाती थी, वही दोरोती को स्ट्रगल करना पड़ता। चूंकि रायमंड प्रिंस के रूप में बॉर्न हुआ है, वो अपनी बहन के पीछे पड़ा रहता है। तभी नज आती है और उसे दोरोती को परेशान करने से रोकती है। दोरोतिया ओबेरा की हिस्ट्री पढ़ रही होती है। ये देख के नज प्रभावित होती है और सोचती है कि उसे एम्परर को बताना चाहिए। दोरोतिया का दिल बैठ जाता है और वो नज को मना करती है। एम्परर दोरोतिया के पिता है, लेकिन उनके बीच के संबंध कुछ खास अच्छे नहीं है क्योंकि इम्प्रेस दोरोतिया को जन्म देने के बाद मर गई थी। तभी से एम्परर दोरोतिया को कुछ खास पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनकी बीवी के मरने की वजह उनकी यह बेटी ही थी। पिछले जन्म में दोरोतिया ने अपने फादर को इम्प्रेस करने के लिए कई कुछ किया, लेकिन कभी भी उसके फादर ने उसकी तरफ नहीं देखा। वहीं पर रेमंड को कुछ नहीं करना पड़ता था। वह जो चाहता था उसे वह आसानी से मिल जाता था। रेमंड अपने फादर से जितना चाहे उतने सवाल भी आसानी से पूछ सकता था। दोरोतिया को आज तक समझ में नहीं आया था कि रेमंड के और उसके बीच में इतना अंतर क्यों था। दोरोतिया ये सब सहन नहीं कर सकती और उसने सोचा कि वह रेमंड की सारी चीज ले लेगी और उन्हें कहीं छुपा देगी जिससे वह रेमंड को टॉर्चर कर सके। जब उसके पिता को ये बात पता चली तो उसने फैसला लिया कि वह दोरोतिया को एक कमरे में बंद कर देगा। दोरोतिया को लॉक करने से बातें और बिगड़ गई। एम्परर का रिश्ता दोरोतिया के साथ खट्टा होता चला गया क्योंकि उसे एम्परर का प्यार नहीं मिला था, इसलिए वह पिछले जन्म में एक क्रूर एविल टायरेंट बन गई थी। तभी नज आती है और बोलती है कि चलो जाकर नर्सरी में देखते हैं कि क्या है वहाँ पर। यह गार्डन एम्परर ने अपनी वाइफ इम्प्रेस के लिए बनवाया था जिससे कि इम्प्रेस को यह ना लगे कि वह अपने होमलैंड से दूर है। पिछले जन्म में डोरेटा अक्सर इस गार्डन में आया करती थी, लेकिन इस जन्म में वह इतना इस गार्डन में नहीं आया करती है। जैसे ही वह गार्डन के गेट के पास पहुंचती है, उसे एम्परर की आवाज सुनाई देती है कि कोई गार्डन के अंदर जा रहा है। क्योंकि एम्पेरियन ने दोरोतिया को लंबे समय तक नहीं देखा था तो वह पहचान नहीं पाते हैं कि यह उन्हीं की बेटी है। नर्स जल्दी जल्दी आगे बढ़ती है और बताती है कि आप ही की बेटी है। दोरोतिया अपने कपड़ों को साइड से पढ़ती है और शर्मिली होकर अपने फादर को ग्रीट करती है। और तभी एम्परर सोचता है कि क्या ऐसी खास बात है जो कि प्रिंसेस इतनी अच्छी लग रही है। तभी एम्परर एक सवाल पूछता है कि तुम्हारी क्या डिजायर है, लेकिन दोरोतिया कुछ कहती नहीं है क्योंकि उसे कुछ चाहिए नहीं होता है। दोरोतिया कहती है कि उसके लिए एक अच्छी सी वाइन का पेशकश की जाए। वह अपने फादर को उसी के द्वारा ऑन देना चाहती है। एम्परर दोरोतिया से प्रॉमिस करता है कि वह एक अच्छी सी वाइन को तैयार करेगा। तभी वह देखी है कि रेमंड वहां आ रहा है और वह उसे देखकर तेजी से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वह भागते हुए ये भी सुनती है कि कैसे उसका भाई स्पिरिट ऑफ लाइट को कंट्रोल कर सकता है। स्पिरिट ऑफ लाइट उनके यहाँ का खास कुछ है जो कि जलता है सन के द्वारा, और यह अब उनकी फैमिली में वीक होता जा रहा है। रेमंड थोड़ा सा उदास होता है क्योंकि वह अपनी बहन को वहाँ नहीं देखा है। और तभी एक लड़का महा रोता हुआ आता है। ये लड़का रेमंड का दोस्त है और यह इस दोस्त को दोरोतिया से मिलना चाहता था, लेकिन दोरोतिया पहले ही भाग चुकी थी। जब दोरोतिया भाग रही होती है तो वह ध्यान नहीं देती है और इस लड़के से जाकर टकरा जाती है जिसकी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं और काले रंग के बाल होते हैं। इन सब के बीच में लड़के की रेड कलर की टाई गिर जाती है, लेकिन उसे ये लगता है कि शायद दोरोतिया गिर गई है और वह उसे जल्दबाजी में अपोलॉजी करने लगता है। दोरोतिया जब उसे लड़की की आवाज को सुनती है तो वह चौकसी जाती है क्योंकि यह वही लड़का होता है जिसे उसने पिछले जन्म में प्यार किया होता है, और यह वही लड़का है जिसे दोरोतिया से बहुत ज्यादा नफरत की होती है। इस लड़के का नाम थियो होता है। लड़का देखता है कि दोरोतिया की आंखों से आंसू निकल रहे हैं तो वह उसे कम्फर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डायमंड आ जाता है और उसे लगता है पता नहीं क्या हो गया कि ये दोनों मिलकर रो रहे हैं। तभी रेमंड बताता है कि यह उसकी बहन है और यह एक प्रिंसेस है, और थेंगो को काफी शौक होता है ये जान के कि यह एक प्रिंस है। तभी रेमंड अपने इस दोस्त को दोरोतिया से मिलता है, थियो दोरोतिया के हाथ पर किस करता है और एक बार फिर से माफी मांगता है। दोरोतिया सोचती है कि इस जन्म में शायद सब कुछ ठीक होगा और शायद वह फिर से इस लाइफ में थियो के साथ अपनी आगे की जिंदगी बिता पाएगी। तभी एक आवाज आती है और ये लड़की का नाम जूलिया होता है जो कि थियो की एंगेजमेंट पार्टनर होती है पास्ट लाइफ में, जो कि फैमिली लोगों ने अरेंज की होती है। पिछली जिंदगी में थियो की शादी दोरोतिया से होती तो है, लेकिन थियो प्यार जूलिया को ही करता है।
डोरेटा जब जूलिया को देखते हैं तो उसे एक अजीब सी उदासीन होती है और वह रोते हुए भागते आगे चली जाती है। रेमंड उसे रोकने की कोशिश करता है पर वह रुकती नहीं है। डोरेटा तो अपने कमरे में जाती है और नस को कहती है कि वह सोना चाहती है और फिर वह सो जाती है। दूसरे दिन सुबह उठकर वह वैसे ही जैसे हर रोज किताबें पढ़ती है उठ के अपनी नई किताब पढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन डोरेटा कुछ भी ठीक से नहीं पढ़ पाती है क्योंकि उसका भाई रेमंड आगे पीछे चल रहा होता है जिससे उसका ध्यान भटक रहा होता है। रेमंड बताता है कि आज की पार्टी में उसे क्राउन प्रिंस का टाइटल दिया जाएगा और वह काफी नर्वस है। रेमंड को लगता है कि क्राउन प्रिंस का टाइटल उसकी बहन को मिलना चाहिए क्योंकि उसकी बहन जो है वह उससे ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। सेरेमनी शुरू होने से पहले डोरेटा था आसपास दिखती है डेकोरेशन को जिसे देखकर उसे काफी अच्छा लगता है, लेकिन तभी एक आदमी आता है और बोलता है कि उन्हें कोई स्पिरिचुअल स्टोन मिला है लेकिन इस जन्म में डोरेटा को कोई इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं होता है। तभी डोरेटा का ध्यान उसके भाई की तरफ जाता है जो आज क्राउन प्रिंस बनने वाला होता है और उसे यह डर है कि कहीं वह अपना स्पीच ना भूल जाए। सेरेमनी ठीक ठाक से कंप्लीट हो जाती है और एम्परर प्रिंस को लेकर अपने दूसरे लोगों से मिलवाने के लिए आगे चल जाता है। डोरेटा भी उनके पीछे पीछे चलती है और काफी लोग उसकी प्रशंसा भी करते हैं कि वह कितनी सुंदर दिखती है। लोग ये भी कहते हैं कि डोरेटा ठीक अपनी माँ की तरह दिखती है। एम्परर यह सुनकर काफी गुस्से में आ जाता है और लोगों को कहता है कि वह उसकी लेट वाइफ के बारे में बात ना करें। डोरेटा जब ये सुनती है तो उसे बड़ी उदासी होती है लेकिन वह इस फंक्शन को छोड़कर नहीं जा सकती है। रेमंड आज की पार्टी का मेन अधिकारी होता है। यहाँ डोरेटा की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि किसी का भी ध्यान उसे पर कुछ खास होता नहीं है। डोरेटा सोचती है कि यह पार्टी को जल्द से जल्द खत्म हो जाना चाहिए। तभी उसकी नजर थियो पर जाती है जो हाथ में अनार का जूस लिए हुए उसकी तरफ आ रहा होता है। वह जूस का ग्लास डोरेटा को देता है और उसे अपने साथ आगे पार्टी में चलने के लिए कहता है। साथ ही वह ये भी बताता है कि कैसे रेमंड उसकी तारीफ करता है उसे और उसकी समझ से। लड़का सुझाव देता है कि अब वे एक एपिस्टेमिक नामक अकादमी में मिल सकते हैं। यह अकादमी साम्राज्य की सबसे बेहतरीन अकादमियों में से एक है जहां केवल सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा यह मुख्य स्थान है जहां कुलीन परिवारों के उत्तराधिकारी एक साथ पढ़ाई करते हैं और भविष्य के लिए संबंध बनाते हैं। हालांकि रय की तरह जो आसानी से इस अकादमी में प्रवेश कर गया, डोरोथी जो राजकुमार की तुलना में अपनी ज्ञान से उसे ओवरशैडो नहीं करना चाहती थी, वह इस अकादमी में प्रवेश नहीं कर सकी। पिछले जीवन में उसने इस बात का विरोध करने की कोशिश की थी। उसने एपिस्टेमिक की ओर एक पत्थर फेंका था लेकिन वह खिड़की को तोड़कर ड्यूक ऑफ ब्रोंटे के सबसे बड़े बेटे के सिर पर लग गया। इस घटना के बाद सम्राट ने डोरेटा को महल में बंद कर दिया और इस प्रकार उनके संबंधों का अंत हो गया। इसी कारण अब अतीत को दोहराने से बचने के लिए राजकुमारी ने खुद अकादमी में प्रवेश नहीं करने का फैसला किया। डोरेटा के इस निर्णय के बारे में जानकर और राजकुमार थियोन की ओर देखते हुए वह सब कुछ समझ गया और लड़के की नजरों में अपमानित न दिखने के लिए उसने बातचीत को आगे बढ़ाने का निर्णय नहीं लिया। राजकुमारी ने बातचीत का विषय बदलने का फैसला किया लेकिन मौसम के बारे में शुरू की गई बातचीत अचानक जूलिया के आ जाने से रुक जाती है। थियोन आर्चड्यूक की खोज कर रहा है और लड़का राजकुमारी से माफी मांगता है कि उसे जाना होगा। डोरेटा इस बात से दुखी है कि थियोन को इतनी जल्दी जाना पड़ा और वह खुद भी इस घटना को छोड़कर अपने कमरे में जाने के बारे में सोचती है। लड़की अपने पिता के पास जाती है जो उसकी ओर पीट किए खड़े हैं ताकि उनसे जाने की अनुमति मांग सके। उसी समय ड्यूक ब्रॉनी जो सम्राट से बात कर रहे होते हैं आवाज की ओर तेजी से मुड़ते हैं और अनजाने में अपनी कोहनी से डोरेटा के गिलास को छू देते हैं जिससे रस उसके कपड़ों पर गिर जाता है। लड़की परेशान हो जाती है क्योंकि यह गिलास उसे थियोन ने दिया था, अब उसमें कोई रस नहीं बचा है और वह भीड़ के बीच में गंदे कपड़ों में खड़ी है। ड्यूक जल्दी से राजकुमारी से माफी मांगते हैं लेकिन सम्राट इस पर जोर देते हैं कि डोरेटा को ही उनसे माफी मांगनी चाहिए। रेयर जिसने इस घटना को देखा अपनी बहन की निर्दोषता की घोषणा करने का फैसला करता है, हालांकि डोरेटा जिसने अब से आज्ञाकारी बनने का फैसला किया है ड्यूक की ओर झुकती है और अपनी असावधानी के लिए माफी मांगती है। ब्रॉनी इस बात से शर्मिंदा हो जाते हैं कि लड़की उनसे माफी मांग रही है क्योंकि गलती उनकी थी। सम्राट आदेश देते हैं कि सेवक राजकुमारी को कपड़े बदलने के लिए ले जाएं और डोरेटा इस पर बहुत खुश होती है क्योंकि यह आयोजन से निकलने का एक अच्छा बहाना है। जैसे ही वह निकलती है राजकुमारी देखती है कि सभी की नजरें उस पर टिकी हुई हैं। वह मुड़कर देखती है और थियोन और जूलिया की आश्चर्यचकित आंखें देखती है इस बात से शर्मिंदा कि उन्होंने राजकुमारी को अपनी प्रतिष्ठा खोते हुए देखा। डोरेटा स्वागत कक्ष से भाग जाती है। लड़की अपने बिस्तर पर बैठती है, घुटनों को मोड़कर सोचती है कि वह अपने पिता के इस तरह के व्यवहार को सह सकती है लेकिन थियोन की नजरें उसके लिए असहनीय थीं। थियोन के बारे में सोचते हुए और यह सोचते हुए कि वह उससे कभी प्यार नहीं करेगा, डोरेटा एक दरवाजे पर दस्तक की आवाज से विचलित हो जाती है। राजकुमार रेमंड उसकी हालत को लेकर चिंतित होकर उससे मिलने आए हैं। डोरेटा अपने भाई से नाराज है और उसे अकेला छोड़ने की मांग करती है। वह जोर देती है कि वह वापस समारोह में लौट जाए। रया जाने से मना कर देता है क्योंकि उसके सम्मान में हो रहे स्वागत समारोह में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है, वह अपनी बहन के पास रहना चाहता है। ये सुनकर राजकुमार उसे बाहर चलने और खेलने के लिए आमंत्रित करता है। डोरेटा इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती और बिस्तर से कूद जाती है।
वॉरिया को लापरवाह होने के लिए डांटती है क्योंकि वह क्राउन प्रिंस है और उसे उचित व्यवहार करना चाहिए और सिर्फ खेलों के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। वह अपने भाई को उसके वस्त्र से पकड़कर पूरी ताकत से उसे दूर धकेलती है और उसे अकेला छोड़ने के लिए कहती है। अचानक डोरोथी को एहसास होता है कि थियोन और जूलिया ने फिर से इस अप्रिय दृश्य को देखा। दरअसल रेमोन उन्हें एक साथ खेलने के लिए लाया था, लेकिन डोरोथी अब केवल अपनी शर्म के बारे में ही सोच सकती है। वह दरवाजा अपने भाई के चेहरे पर बंद कर देती है ताकि वह कुछ और कहने का समय न पाए। दरवाजा बंद करते ही राजकुमारी थकान से घुटनों के बल गिर जाती है और रोने लगती है। वह खुद से नफरत करती है और सोचती है कि वह दयनीय दिखती है और प्यार की हकदार नहीं है, लेकिन वह समझती है कि यह उसका प्रायश्चित का रास्ता है। कई दिनों से डोरोथा बिस्तर पर पड़ी है, थकी हुई और बुखार से पीड़ित। उसकी देखभाल एक नर्स कर रही है। रेमोन ने इन दिनों में उसे देखने नहीं आया, शायद वह नाराज है। डोरोथी अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही है, इस बात की चिंता करते हुए कि उसने अपने भाई के साथ इतनी बदतमीजी क्यों की। एक तरफ वह खुश है कि वह नहीं आया क्योंकि वह बहुत परेशान करता है, लेकिन दूसरी तरफ उसने खुद से वादा किया था कि वह भविष्य में दयालु होगी। अचानक दरवाजा खुलता है और रया दरवाजे पर खड़ा दिखता है। उसने अपने हाथों में एक पैकेज लिया हुआ है जो वह डोरोथा के लिए तोहफे के रूप में लाया है। लड़का अपनी बहन को अपने गुप्त बगीचे के बारे में बताता है जिसे उसने आंगन के पीछे गुप्त रूप से बनाया है, और अब वह उसे अपने पहले उगाए गए टमाटर देता है। राजकुमार अपने उपलब्धियों पर गर्व करता है और वादा करता है कि वह डोरोथा को सबसे पहले आजमाने के लिए अगली सब्जियां भी लाएगा। राजकुमारी नाराज होती है कि राजकुमार, जिसे एपिस्टेमिक में स्वीकार किया गया है, अपना समय बगीचों पर बर्बाद कर रहा है। लड़का उसे विश्वास दिलाता है कि वह सिर्फ बगीचे में ही नहीं बल्कि अपनी पढ़ाई में भी लगा हुआ है और अपनी बहन से माफी मांगता है कि उसने उसे नाराज किया। परेशान और हाथ मरोड़ते हुए रया डोरोथी के साथ अपनी चिंता साझा करता है कि वह कभी उसके साथ नहीं खेलती। खुद को याद दिलाते हुए कि वह अब से दयालु बनेगी, डोरोथी शांत होकर अपने भाई को समझाती है कि इस तरह का व्यवहार उसे एक अच्छा सम्राट नहीं बनाएगा। वह वादा करता है कि वह एपिस्टेमिक में अपनी पूरी कोशिश करेगा और उसके लिए एक अच्छा भाई बनेगा, और उसे बाहर जाने के लिए आमंत्रित करता है क्योंकि वह हमेशा उसे महल में बैठे हुए देख परेशान हो जाता है। रेमोन अपनी बहन को ये समझाते हुए उत्साहपूर्वक बताता है कि शहर में जाना कितना अद्भुत होगा, लेकिन वह मना कर देती है। इसके बाद राजकुमार डोरोथा का लगातार पीछा करता है जहां भी वह जाती है और उसे टहलने के लिए आमंत्रित करता है। वह उसके किताबों के पन्नों पर नोट्स छोड़ता है, उसे टहलने के लिए कहता है। इस तरह के दबाव को सहन न कर पाने पर डोरोथा केवल इस शर्त पर बाहर जाने के लिए सहमत होती है कि वह अकेले अपने नज के साथ जाएगी। राजकुमारी के इस फैसले से प्रोत्साहित होकर नज उसे एक सप्ताहांत के कपड़े पहनाती है जिसमें लड़की पूरी तरह से सहज महसूस नहीं करती। हालांकि नज इस दिन का इतने लंबे समय से इंतजार कर रही थी कि उसे रोका या समझाया नहीं जा सका, और इसलिए वह और राजकुमारी व्यस्त बाजार चौक के साथ साथ चलते हैं। नज डोरोथा से उसका हाथ पकड़ने के लिए कहती है क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग हैं। लड़की अजीब महसूस करती है क्योंकि उसके पिछले जीवन में कभी किसी ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था, और फिर वे खुद को अवलोकन डेक पर पाते हैं जहां से पूरा शहर दिखाई देता है। डोरोथा सुंदर दृश्य और शहर में घूमने वाले खुशमिजाज लोगों को देखती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग तस्वीर है। उसकी यादों में यह एक युद्धग्रस्त शहर था और सड़कों पर लोग लाशों की तरह दिख रहे थे, और यहां तक कि हवा भी खून की गंध से संतृप्त थी। और अब वह चौक में संगीतकारों को देखती है और सोचती है कि यह एक ऐसा साम्राज्य है जिसमें कोई अत्याचारी नहीं है। नज उसे प्रदर्शन देखने के लिए चलने के लिए कहती है, और द्वार के पास से गुजरते समय वे यह नहीं देख पाते कि कोई व्यक्ति उन्हें वहां से देख रहा है।